ये मुलाकात जो है वो चुनावी नहीं है, वैचारिक है। ये स्वार्थ की राजनीति देशद्रोहियों तक मिलाने के लिए आ गई। सियासत का चैप्टर बदलने पर तस्वीर भी बदलती जाती है। दिल्ली की राजनीति की यह तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। पीछे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बड़ी फोटो लगी है, आगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल खड़ी हैं, जो अब आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। साथ में है कन्हैया कुमार, कांग्रेस के नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार। दिल्ली के 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल की पार्टी 4 सीटों पर तो कांग्रेस 3 सीट पर मैदान में है। जाहिर है कन्हैया कुमार को इस वक्त केजरीवाल के समर्थकों के पुरजोर समर्थन की जरूरत है, और कन्हैया की माने तो सुनीता केजरीवाल तो उनके लिए प्रेरणा है। कन्हैया ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी से मुलाकात की। तानाशाही के इस दौर में वे जिस बहादुरी के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए डटे हुए हैं, वो वाकई प्रेरणादायक है। इस लड़ाई में हम हर कदम उनके साथ हैं। लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। 25 मई को दिल्ली की जनता जेल का बदला वोट से लेने जा रही है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और कन्हैया इसी की याद जनता को दिला रहे। एक आत्मीय मुलाकात थी और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं, तो उनसे हम ये बात कहने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे। अब इस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से नॉमिनेशन फाइल करने के ठीक बाद बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने अपने खिलाफ मैदान में उतरे कन्हैया पर निशाना साधा। सुनीता केजरीवाल जी से मिल गए कन्हैया कुमार, आम आदमी पार्टी का हो गया बंटाधार। अब इनकी जो बची खुची है सब खत्म हो गई कांग्रेस की, और अब आम आदमी पार्टी ने अपना समाप्त कर ली। ये स्वार्थ की राजनीति देशद्रोहियों तक मिलाने के लिए आ गई। कन्हैया की एक और तस्वीर बुधवार को चर्चा में रही। ये दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ की थी। कन्हैया ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। इसकी तस्वीर के साथ कन्हैया ने 4 खास लाइन भी पोस्ट की। कांग्रेस उम्मीदवार ने लिखा, वो और होंगे जो डर जाते हैं जेल से, हम पुराने वाकिफ हैं तेरे इस खेल से। इशारा तिहाड़ जेल की तरफ माना जा रहा है। संजय सिंह जमानत मिलने के बाद तिहाड़ से हाल ही में बाहर आए हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। मौजूदा वक्त में जब आम आदमी पार्टी का चुनावी नारा जेल का जवाब वोट से है, तो कन्हैया का जेल का जिक्र करना इंडिया गठबंधन की नई रणनीति की तरफ साफ इशारा कर रहा है।